आपका बाकी है ना खाली।
Thank you.
और पीछे मत आओ यार। सारा 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 दादा यार थोड़ा ध्यान का जरूर है। रुको 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 रुको, एक्सीशन यहीं से लेने में यार। कैमरा लाऊं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एसएल वर्ल्ड एंड ये टेलीवॉली मीडिया का, क्योंकि ये बॉर्डरलेस जो फाउंडेशन है उन बच्चों के साथ और मेरे बच्चों के साथ मुझे एक वेकेशन में एक दिन स्पेंड करने का टाइम मिला और वो भी एसएल वर्ल्ड, जहाँ मैं भी बच्ची बन के सारे राइड्स को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्पेंड माय डे वेरी नाइस। तो बहुत धूप है लेकिन वो धूप मायने नहीं रखती है, इन सबके साथ मजा आ रहा है। देखिए बहुत अच्छी वजह है यहाँ आने की। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, कश्मीर से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और टेली वॉली मीडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ आके मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, बट हाँ बच्चों के साथ ही आना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि आप भी बच्चे बन जाते हैं और राइड्स का पूरा फुल ऑन मज़ा लेते हैं। तो आज मैं भी वही करने वाला हूँ, सबके साथ मिल के फुल ऑन मज़े करने वाला हूँ। हमारे साथ और भी लोग आए हुए हैं इनके साथ, देखते हैं अभी क्या होता है। एसएल वर्ल्ड की तरफ से आप, तो एसएल वर्ल्ड का क्या कोऑपरेशन है इस तरह के इनिशिएटिव के लिए? एसएल वर्ल्ड इज ऑलवेज टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। वी ऑलवेज प्रमोट एनजीओज लाइक बॉर्डरलेस, दे आर रियली डूइंग वेरी गुड वर्क एंड वी थिंक दैट दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
encourage these people with the help of celebs. We are very happy to receive these stars in SL World, and I am very thankful to them. And we give lot of we do lot of activities, lot of social activities, and we are always enjoy this. Sonia, बताइए एक्टिंग तो करती हैं यहाँ पे, क्या कर रही हैं आप, मजा आ रहा है आपको? मुझे भी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, और ये जो एनजीओ के सारे बच्चे हैं हम लोग उनके साथ एसएल वर्ल्ड में एंजॉय करने आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग उनके साथ बहुत सही राइड्स करने वाले हैं और बहुत मजा करने वाले हैं। आप दे आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा एसएल वर्ल्ड को कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, और टेली बॉली को भी थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सब को इन सब बच्चों के साथ राइड लेने का मौका दिया, और ये सब भी बहुत खुश हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो और वैसे भी मुझे राइड लेने का बहुत शौक है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि एसएल वर्ल्ड तो बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत ही अच्छा है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ पर आ चुका हूँ, तो तब भी बहुत अच्छा था, तो तब भी मैं, और अब तो बहुत अच्छा बन गया, तो आशोर बहुत मजा आएगा। आप पहली बार मुंबई आए हैं? Yes. कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है। डांस भी आप करते हैं? डांस आपने किया? और क्या डिफरेंस क्या पाया आपने? आप कश्मीर से आए हैं ना, तो कश्मीर और यहाँ पे क्या डिफरेंस पाया, क्या अंतर पाया आपने? बहुत डिफरेंट है कश्मीर और मुंबई में, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है आपको? हाँ। यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, दोबारा आने का मौका मिलेगा तो आएंगे आप? आपको? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो कितना अंतर है यहाँ कश्मीर और यहाँ मुंबई में? कश्मीर में तो बहुत ठंडी होती है, इधर बहुत धूप होती है। बहुत धूप होती है। दोबारा आएंगे अगर बुलाया जाएगा? हाँ। आएंगे? हाँ। बहुत मज़ा आया राइड्स में बैठ के, और मन तो नहीं कर रहा है अभी जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं शूटिंग पे जाना है मुझे। लेकिन हाँ, ये इतने सारे लोग साथ में थे, सब बच्चे साथ में थे, तो हिम्मत बंधी रही, वरना मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही थी। जैसे कि बस से आपने राइड किया? हाँ, पहली बार। ये इस तरह देखिए, ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक वजह होती है हम लोगों को उन लोगों के करीब जाने की, और उन लोगों को हमसे मिलने की, और बहुत ही एक होता है ना कि आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी सीखते हैं कुछ चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है कि एसएल वर्ल्ड और बॉर्डरलेस फाउंडेशन, वर्ल्ड फाउंडेशन और ये मीडिया जो भी आप लोग हैं, बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। आपने देखा कुछ बच्चे काफ़ी टैलेंटेड भी, डांस वांस भी किया? हाँ, हमने देखा ना, उनके मुंबई में रह के अपना कैरियर बनाना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए, अभी तो बच्चे हैं, उनको बड़ा होने दो, उनको समझ में आने दो कि वो लोग करना क्या चाहते हैं, फिर टैलेंट तो है बच्चों में ऑब्वियसली। और इस तरह की इनिशिएटिव दोबारा आने का मौका मिलेगा तो आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि नाउ माय बच्चा पार्टी, दे आर वेरी हैप्पी कि मम्मा कभी कोई राइड्स में नहीं बैठती है, आज वो बैठ गई है, तो वो एक्चुअली सबको थैंक यू बोल रही है कि चलो इसी बहाने मम्मा हमारे साथ बैठी तो सही। ये फर्स्ट टाइम राइड पे बैठा आपने? ये फर्स्ट टाइम राइड पे बैठी। तो ये एनजीओ जो एसएल वर्ल्ड को एनजीओ फ्री एंट्री दे रही है, सर्विस बुला रही है, एक इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स वेरी नाइस कॉज, क्योंकि मैंने सुना जिनका जो पासिस होते हैं बच जाते हैं, तो उन लोग पासिस वापस लेते हैं, और जो एनजीओ के बच्चे हैं उनसे पैसे नहीं लेते और उनको फ्री में पूरा कराते हैं। इट्स अ गुड थिंग, और मुझे जब उन्होंने बताया इसलिए मैंने कहा कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहूँगी, इतनी गर्मी में भी आए थे, इट्स वर्थ इट, सो आई जस्ट केम। कुछ टैलेंटेड भी काफ़ी हैं, तो इन लोगों को अगर आगे करियर में करना हो तो क्या कैसे मैं उनसे यही बातें कर रही थी, सिर्फ आपको मजा आ रहा है वहाँ पे, तो जैसे हम लोग बहुत खुश है वहाँ पे, हमारी टीचर्स बहुत अच्छा ध्यान रखती है, तो वो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि बिन माँ बाप के बच्चे हैं और फिर भी इतना खुशी से वहाँ रह रहे हैं। किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को कुछ करना है, एंड वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल स्पोकन,
सो आई वाज आई कैन जस्ट सेपरेट टू गॉड कि उनकी जो भी ख्वाहिश है सब पूरी हो और उनको कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आई विल बी ऑलवेज देयर। हां बहुत मजा आया, हम लोग ने दो राइड की, रेनबो और कप एंड सॉसर, दोनों भी बहुत मजेदार थे। आप बताइए। बहुत मजा आया दोनों में। पहली बार कर रहे हैं? नहीं, रेनबो पहली बार कर रहा हूँ, कप एंड सॉसर मैंने बहुत बार किया है। और आप सलोनी बताइए, आप पहली बार? मैंने एसएलआर में बहुत बार आ चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी राइड्स की है। अच्छा, एनजीओ के जो बच्चे हैं उसके साथ इंटरेक्ट किया, बात किया आपने? हाँ, ये एनजीओ के सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनाए और उन लोग के साथ हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। आप बताइए। सब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत उनके साथ मस्ती करनी है, अभी बहुत बाकी है, बहुत अभी राइड लेने जाना है, बहुत मस्ती करनी है। और मैच में देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं आप? क्या मैच देखते हैं? हाँ। आप टीम कौन सी है आपकी फेवरेट टीम? इंडिया की टीम। आपकी? मेरी मुंबई इंडियंस है। थैंक यू। ओके, रेडी टू स्टार्ट। Yeah!
Thank you.
ध्यान यहाँ पे। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़िए एक बार।